बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की, इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मसल ब्लेज रो वे प्रोटीन, ये सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले प्रोटीन पाउडर्स में से एक है, लेकिन इसके साथ डाउट भी इतने ही सारे हैं। मुझे भी यही डाउट था, या दूसरे लोगों को भी ये डाउट रहता है कि ये इतना सस्ता है, कहीं ये ऐसा तो नहीं से लेना मतलब पैसे का नुकसान है, या ये काम करता भी है या नहीं करता है। तो इसी के बारे में वीडियो होने वाली है, वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि जो मसल ब्लेज का रो वे प्रोटीन है, इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मसल ब्लेज रो वे प्रोटीन 80%, 80% का मतलब है कि इसकी पर सर्विंग में आपको 80% प्रोटीन मिल जाता है, यानी कि इसकी जो सर्विंग साइज है, वो सर्विंग साइज का जो स्कूप है वो 30 ग्राम का है, तो 30 ग्राम का 80% लगभग 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। 11.2 ग्राम ई डबल एज हैं इसमें, 5.2 ग्राम बी सी डबल एज यानी कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, और ई डबल एज यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसके अलावा अनफ्लेवर्ड है, यानी इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। विद एडिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देखिए एंजाइम्स जो इसमें रोवे प्रोटीन में डाले जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, इसमें ऑलरेडी से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और हमारी बॉडी में भी होते हैं जो इसे इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए लिखी जाती हैं ताकि थोड़ा कंपनी को बेनिफिट मिल सके, कुछ दिखा सके कि हमारे वे प्रोटीन में हमने अलग से ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है। नो एडिड फ्लेवर्स, जैसा कि मैंने आपसे भी बताया कि इसमें कोई ये फ्लेवर ऐसा कोई फ्लेवर नहीं है। नो एडिड शुगर, बाहर से कोई भी किसी प्रकार की शुगर इसमें ऐड नहीं की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंटेंस नेचुरल अकरिंग शुगर्स, जो दूध में या वे प्रोटीन में नेचुरल शुगर्स होती हैं वही इसके अंदर हैं। कंटेंस नो डोपिंग इन्ग्रीडियंट्स एज पर वाडा और नाडा लिस्ट, यानी कि जो वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो उसके बैंड सब्सटेंसेस हैं वो उसमें नहीं मिलाए गए हैं। तो इसका एक लेवल स्कूप होता है वो लगभग 30 ग्राम का होता है, और उस 30 ग्राम में लगभग उसका 80% यानी कि 24 ग्राम प्रोटीन होता है। अब इसके लिए हमें लैब रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो तो मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन जो मसल ब्लेज है काफ़ी रिप्यूटेड कंपनी है और इसका अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया, मुझे भी कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला जिसमें कि ऐसा बताया होगा कि जितना क्लेम करती है कंपनी उतना इसके उसमें स्कूप में प्रोटीन नहीं होता है, एक सर्विंग में उतना प्रोटीन नहीं होता है। इसके बारे में एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई हुई है जिसमें वो बता रहे हैं कि इसमें प्रोटीन में कुछ गड़बड़ की हुई है, इतना प्रोटीन नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने जो काउंटिंग है जो कैलकुलेशन है वो सही से नहीं की हुई है, उसमें जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उन्होंने उसमें काउंट नहीं किए हुए। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, जैसे मिक्सिबिलिटी। मिक्सिबिलिटी इसकी सही है, अच्छे से घुल जाता है, कोई लंप नहीं बनता, बस थोड़ा ध्यान रखें जो आपका शेकर है वो जाली वाला हो और इसे लगभग 30 से 40 बार घुमाएं। बात करें इसकी टेस्ट की, तो टेस्ट उसमें कोई नहीं है, फ्लेवरलेस है। वैसे इसका टेस्ट ठीक ठाक है, कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे तो ठीक ठाक लगता है। अगर बात करें दाम की, तो ये पहले थोड़ा सस्ता था, अब थोड़े इसके मैंने चेक किए दाम बढ़ गए, लगभग 1350 रुपये का मिलता है, और 1350 रुपये का मतलब है कि लगभग इसमें 33 सर्विंग आती है, तो एक सर्विंग 41 रुपये की मिल जाती है, यानी कि 41 रुपये में 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है, सही दाम है मेरे हिसाब से। अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो मुझे जो उसका डिसएडवांटेज मुझे तो नहीं लगता, लेकिन शायद हो सकता है वो जो सबसे बड़ा हो सकता है वो है टेस्ट। मैं जो इसे लेता हूँ लेकिन मुझे तो कोई टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने दूसरे किसी लड़कियों को इसका टेस्ट कराया तो कई लोगों को इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो अगर आप टेस्ट के शौकीन हैं और अगर आपको चाहिए कि जो शेक है वो भी टेस्टी हो थोड़ा, तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे लेने से पहले थोड़ा एक बार टेस्ट करके देख लें, वो उसका डिसएडवांटेज हो सकता है। लास्ट में बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की, इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसा कि इसका दाम कम है, तो काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बोलते हैं कि अरे अच्छा नहीं है, काम नहीं करेगा, जबकि उन्हें खुद कुछ नहीं पता इसके बारे में, बस वो अपने आप खुद से ही आइडिया लगा लेते हैं कि सस्ता है तो काम नहीं करेगा। लेकिन सस्ते होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक तो इसमें डिब्बा भी नहीं है, एक इसमें फ्लेवर भी नहीं है, तो ये सब कारण हो सकते हैं इसका सस्ता होने के। बाकी ये मैंने यूज़ किया, इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये सही काम करता है। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं और आप इसे यूज़ कर रहे हैं, तो इस प्राइस रेंज में 1350-1400 रुपये की प्राइस रेंज के हिसाब से ये पैसा वसूल सप्लीमेंट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो महंगी हैं, दो 2500 की रेंज में जो सप्लीमेंट आते हैं, और इसमें कुछ ऐसा कुछ कोई खास अंतर नहीं है। ऐसा ना समझे कि हम ये सस्ते वाला खा रहे हैं, मसल ब्लेज का रोवे प्रोटीन ले रहे हैं कि हम कुछ घाटे में आए, इससे कुछ ज़्यादा नुकसान होगा, सब बराबर काम करते हैं, वही सोर्सेज इसके हैं इंटरनेशनल जो बाकी के हैं। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, जल्द ही मुलाकात होगी ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।